पर रोक बिहार से, तो लेकर के जांच कमेटी बनी है। बात करेंगे हम त्रिकूट रोपवे हादसे की। त्रिकूट रोपवे हादसे को लेकर अब राज्य सरकार ने जांच आयोग बैठाने की बात कही है। हम आपको बता दें कि त्रिकूट रोपवे हादसे अपने आप में इस कदर बड़ा हादसा था कि उसमें एयरफोर्स से लेकर एनडीआरएफ तक की और कई कमांडो तक लगे हुए थे उस रेस्क्यू में, और बाद में पीएम तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस मामले को उन्होंने काफी गंभीर बताया था, और जो रेस्क्यू की कर रहे थे जो जवान उनकी काफी तारीफ की थी। मदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या लगता है कि ये रेस्क्यू काम खत्म होने के 3-4 दिनों बाद अब जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये तो तत्काल होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए सभी चीज़ों को सोचते समझते और देख करके मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। हालांकि जब रेस्क्यू कंप्लीट हुआ था तो उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। दोनों मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद उन्होंने की थी। लोहरदगा में जो रामनवमी में घटना घटी थी और उसके बाद ये जो रोपवे हादसा हुआ था उसको लेकर के कई आरोप लग रहे थे कि रोपवे में जो मेंटेनेंस की कमी थी इस वजह से ये हादसे हुए। तो इसके बाद अब ये कह सकते हैं कि जो वित्त सचिव हैं अजय सिंह, उनको अध्यक्ष बनाया गया इस जांच कमेटी का, और जो पर्यटन सचिव हैं अमिताभ कौशल जी, उनको भी सदस्य बनाया गया है। साथ ही आईएसएम धनवाद के जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया गया है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नामित जो सदस्य होंगे उनको भी इसमें शामिल कराया जा सकता है, और आवश्यकता के अनुसार देश के कई भी कहीं से भी जो एक्सपर्ट होंगे उनको इसमें शामिल कराया जा सकता है। 2 महीने का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है ताकि सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपा जा सके और क्या कमी रही थी इसको ये सामने लाया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा मामला था क्योंकि पूरी देश की निगाहें लगभग 45 घंटे तक टिकी रही थी, क्योंकि लगभग 50 से अधिक लोगों की जिंदगी जो है वो 45 घंटे तक हवा में झूलती रही थी। आसमान और ज़मीन के नीचे बीच में जो है काफ़ी संघर्ष के साथ वायुसेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और थल सेना के जवान, साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने संघर्ष करके लोगों की जान बचाई थी। साथ ही जो एक स्थानीय पन्ना लाल थे उन्होंने भी लगभग 15 से अधिक लोगों की जान बचाई थी। उन्हें सम्मानित भी किया गया है, सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया गया, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत जो भी लोग इस रेस्क्यू में शामिल थे सभी को संबोधित करके उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाया था। तो हम कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक बड़ा मामला था। देश में पहली ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर के सभी की निगाहें टिकी थी, आखिर यह हादसा हुआ कैसे था। तो अब ये जाँच कमेटी बनी है और 2 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वाकई में यह बड़ा ही दर्दनाक और भीषण हादसा था जिसमें 45 से 50 लोगों की जान सांसद में अटकी पड़ी थी और वो लगभग 45 घंटों तक फंसे रहे थे। आखिर कौन थे इस लापरवाही के जिम्मेदार और किस वजह से ऐसा हादसा हुआ था? आखिर सुरक्षा मानकों का कौन थे वो लोग जिन्होंने उन्हें पूरा नहीं किया था जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ था? जांच इसकी होनी चाहिए। सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि आखिर जांच के आदेश तत्काल क्यों नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इंतजार इस बात का होगा कि रिपोर्ट क्या कुछ आती है और क्या वाकई में दोषियों को सजा मिल पाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।